जाटल रोड पुल के नीचे गैस सिलेंडर लीक होने से घर में लगी आग, मोबाइल फोन भी जला। पानीपत में आग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज जाटल रोड पुल के नीचे गैस सिलेंडर लीक होने से घर में आग लग गई, जिसमें घर का सामान और मोबाइल फोन भी जल गया। वहीं परिवार के एक सदस्य ने बताया कि उसकी बहन ने गैस पर दूध उबलने के लिए रखा था, तभी उसने बताया कि इसमें से स्मेल आ रही है। जब भाई ने जाकर गैस ऑन की तो आग लग गई, जिसमें उसके घर का सामान और मोबाइल फोन भी जल गया, जिसकी शिकायत भाई ने गैस एजेंसी में दी। जांच करने के लिए जांच अधिकारी पहुंचे और परिवार को आश्वासन दिया कि वे इसकी रिपोर्ट बनाकर आगे भेजेंगे और जो भी इसमें नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कंपनी द्वारा की जाएगी। दीदी ने दूध चढ़ा रखा था, दीदी ने बोला कि एक बार इसको चेक करो, मेरे को लग रहा है इसमें स्मेल आ रही है। मैंने एकदम से आके मुँह आके देखा और एकदम से अचानक से इसमें सडनली फायर हो गई जी। तो उसके बाद फिर घबरा गए सब लोग कि हाँ भाई ये क्या हो गया अचानक से आग को देखकर। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि इसको कैसे बुझाए, तो हम बाहर निकले, फिर मैंने लोगों को बताया, लोग फिर जुटे, फिर हमने आग बुझाने की कोशिश करी। फिर उसके बाद आग पे काबू नहीं पाया जा रहा था क्योंकि लाइट भी चली गई थी, पानी की भी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने सिलेंडर को खींच के एकदम बाहर रोड पर फेंकने की कोशिश करी। हाँ जी, रेत वगैरह डाला कुछ? हाँ, रेत हमारे पड़ोस में रेत की ट्राली थी, तो मैंने एक रेत की ट्राली फोन उनको बोला कि एक बार आप रेत की ट्राली डाल दो, तो सिलेंडर पर रेत की ट्राली के द्वारा उसको आग बुताया गया उसको जी। चोट वगैरह तो लगी? हाँ, लगी हुई है सर चोट, ये आग बुताते वक्त यहाँ पे ये लग गई थी और पैर में लगी हुई है सर थोड़ी बहुत चोट। तो अब क्या कार्रवाई की मांग? बस एजेंसी में मैंने कंप्लेंट करी थी और कल फायर ब्रिगेड वाले आए थे, उन्होंने अपनी कंप्लेंट कर दी थी और हमारा काफ़ी सामान भी आप देख सकते हो जैसे ये जल गया है। पूरी खिड़की हमने आग द्वारा बुझाने की कोशिश करी कि हाँ भाई जब आग जल रही थी तो खिड़की को सामान ये सारा जल गया, रसोई का काफ़ी सामान, मिक्सी है, पंखा है, मोबाइल, मेरा मोबाइल अभी मैंने जल्दी लिया था वो जल गया है पूरा मोबाइल भी। ये हमें आज 9:30 बजे जिनके घर में आग लगी है उनके द्वारा सूचना दी गई है एजेंसी जनता गैस सर्विस जाटल रोड में, और यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए भेजा गया है जनता गैस से जी। तो मैंने अपनी जो भी पिक्स है वो अपनी कंपनी को भेज दी है और जो भी इनका बनता है मैंने आगे भेज दिया है जी। इनका जो भी नुकसान हुआ है, इनका सिलेंडर है, पाइप है, जो भी इनका सामान है ये सारा देखो इधर मैंने अपने IOCL को भेज दिया है और जो भी इनका बनता है बाकी आगे जाके मैडम से बात करेंगे, वो आगे रिपोर्ट भेजेंगे, जो भी इंश्योरेंस वाले आएंगे जो भी मिलेगा आगे देखते हैं। कितने दिन का प्रोसेस होता है वो तो देखो मैडम बता सकते हैं, इसके लिए 10-15 दिन महीना भी लग सकता है जी। बाकी कंपनी के द्वारा ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है वो आप आके चेक करेगी फोटो।